ये हमारे थाने के अपराध क्रमांक 499 वर्ष 19 में पंजीबद्ध हुआ था, 420 467 68 71, जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की हेराफेरी संबंधी शिकायत थी, जिसमें आरोपी गण गिरफ्तार हो चुके थे। एक आरोपी मोनू चौरसिया उर्फ अल्पेश, ये घटना दिनांक से कायमी दिनांक से फरार थे। इनकी लगातार तलाश के प्रयास किए गए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से ये बचते रहे और लगातार फरार रहे, जिसका प्रतिवेदन हम लोगों ने बनाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा था, जो उस पर से उन्होंने उनके ऊपर 5000 रुपये का इनाम की उद्घोषणा करी थी। कल दिनांक को इन्हीं फरार आरोपी मोनू चौरसिया ने थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में एक किसी मकान में घुसकर और वहाँ पर मारपीट अपने साथियों के साथ जाकर फरियादी के साथ मारपीट करी, जिस पर से अन्नपूर्णा थाने में भी इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री महेश चंद जैन साहब ने, एडिशनल SP श्री मनीष खत्री साहब ने और हमारे CSP श्री पुनीत गहलोत साहब ने हम लोग को एक टीम बनाकर एक मार्गदर्शन निर्देशन देकर क्षेत्र में रवाना किया, जिसमें इन आरोपी की तलाश के लिए अन्नपूर्णा पुलिस भी लगी रही और हमारे थाने की पुलिस भी लगी रही और अन्य थाने की पुलिस भी घेराबंदी के हिसाब से पुलिस सक्रिय रही। लेकिन मुखबिर द्वारा सूचना मिली हम लोगों को, तो हमारे उपनिरीक्षक पांडे और हमारे आरक्षक तन्मय शशांक स्वदीप, हम लोगों ने घेराबंदी करके उस स्थान पर जाकर इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया था और उस प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने हेतु हम लोगों ने एक दिन का पुलिस रिमांड लिया है। वर्तमान में पुलिस की अभिरक्षा में है और पूछताछ जारी है। इनके लगभग 14 अपराध विभिन्न थानों में हैं, चंदन नगर, अन्नपूर्णा और हमारे द्वारकापुरी थाने में और कुछ राजेंद्र नगर में भी हैं। आरोपी है ना।